नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की खास खबर पर आई एक नजर डालते हैं। चीन द्वारा भारतीय जवानों पर कायतापुर हमले की सभी लोग काफी निंदा कर रहे हैं। इसी को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में भी काफी आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला। जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूका और चीन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमारे सेना से वहाँ की सेना से झड़प हुई, उसमें क्या नाम है हमारे सैनिक शहीद हो गए झड़प में, उनका हम लोग की हमारी सेना भी जवाब दी, अच्छा संख्या में वहाँ का नुकसान हुआ। मतलब ये है कि चीन और भारत के बीच में लद्दाख सीमा पे काफ़ी दिनों से एक संघर्ष चल रहा है सीमा को लेकर के। चीन जैसे पहले करता आया था कि 4 फीट अंदर घुस करके और 2 फीट पीछे हट करके, लेकिन उसके बावजूद भी 2 फीट वो अपने नियंत्रण में लेता था। काफ़ी बातचीत चली, सैनिक स्तर पे वार्ता चली, लेफ्टिनेंट स्तर पे वार्ता चली, लेकिन परसों 15 तारीख को चीनी सैनिकों ने धोखे से, उनको जाना था 5 किलोमीटर पीछे, लेकिन न जा करके धोखे से हमारे सैनिक जो अपने बॉर्डर में ही थे उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया, राड से, पत्थर से, बल्लम से, तो हमारे 20 सैनिक मारे गए। लेकिन हमारे सेनाओं ने तो बदला ले लिया, तुरंत ही ले लिया और चीन के 43 सैनिक को तुरंत ही मार दिया। आज वही धोखेबाज चीन, धोखेबाज जिनपिंग का हम लोगों ने यहाँ विरोध किया है, पुतला फूंका है और हम सब लोगों ने यहाँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनमानस हो, सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग न चीन का सामान खरीदेंगे, न चीन को बढ़ावा देंगे। हम पूरे तरह से बहिष्कार करते हैं और आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि यह क्षम में नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम सब लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करते हैं, इसीलिए आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल प्रभारी बालमुकुंद जी के, रमेश जी, कमलेश जी के, सबके सहयोग से सभी कार्यकर्ता, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग मिलकर के और यहाँ जिनपिंग का पुतला हम लोगों ने फूंका है और आगे भी यह विरोध जारी रहेगा।